नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ मैं राकेश। खबर वैशाली जिले से आई है, जहां के लालगंज से खबर आई है कि मुख्य मार्ग लालगंज हाजीपुर के घटारो टोला स्थित मानसा ब्रह्मा चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने घंटों मुख्य मार्ग जाम किया। राजद कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वर्ष 1990 से लालगंज विधानसभा का सीट राजद के खाते में आता रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस को यह सीट देकर गलती कर दी गई, जिसको लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। जाम करे सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने इस कांग्रेस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और आरजेडी सीट वापस की मांग भी की है। जनता दल को वापस लाओ, वापस लाओ। 1990 से यहाँ लगातार आरजेडी उम्मीदवार हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। यह बैस का सीट है, तेली का सीट है, तेली उम्मीदवार यहाँ घोषित करें। क्या कारण है जो यह मनुवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को नेस्तनाबूद करना चाहती है इतिश्री कराने के लिए, इसलिए कि आदरणीय हमारे लालू यादव को कांग्रेस ने ही जेल में रखने का काम किया, केस करने का काम किया। आज 70-70 सीट लेकर हमारे राष्ट्रीय जनता दल को बर्बादी तक कर चुका। तो सीट वापसी की मांग को लेकर वैशाली के लालगंज में आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमकर बवाल देखा गया और लगातार कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और सीट वापस देने की मांग कर रहे थे। इस पर आला नेता क्या फैसला लेते हैं वो देखना अहम होगा। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।